नमस्कार, आप सभी को जय श्री कृष्ण। 64 वर्षों बाद ऐसा महाविनाश आएगा कि भारत के लोग सूखे मरेंगे। जी हाँ, आज हम भारत के विषय में चर्चा करने जा रहे हैं कि 64 वर्षों के इतिहास में अब तक का सबसे खतरनाक समय आने वाला है। यानी कि हम कह सकते हैं कि 64 वर्ष पहले ऐसा समय आया होगा और वो भी समय इतना खतरनाक नहीं रहा होगा जितना कि अब रहने वाला है। तो आइए कुछ बिंदु समझते हैं कि आने वाले समय में भारत में किस प्रकार से तबाहियां आएंगी, आने वाले समय में किस प्रकार से भारत पर खतरा आने वाला है। देखिए, ये वीडियो अत्यंत महत्वपूर्ण है, आपको समझना चाहिए कि आने वाले समय में भारत में किस प्रकार से खतरा आने वाला है। यदि आप इन बातों को समझते हैं, यदि आप इन बातों को सीखेंगे, समझेंगे, जानेंगे, तभी कहीं ना कहीं आप अपना बचाव करेंगे। बहुत से लोग ऐसा प्रश्न करते हैं कि हम आपको केवल कथाएँ सुना रहे हैं। देखिए, हम आपको कथाएँ नहीं सुना रहे हैं, हम आपको वो कड़वी सच्चाई बता रहे हैं जिसे समझ करके आपको अपने जीवन में लागू करना चाहिए, जिससे आप अपने जीवन को बचा सकें, जिससे आप अपने जीवन की रक्षा कर सकें। तो आइए इन बिंदुओं पर चर्चा करते हैं कि भारत में किस प्रकार से ये तबाहियां आने वाली हैं, भारत में किस प्रकार से ये खतरे आने वाले हैं। तो देखिए, आने वाले समय में भारत में बहुत सारी प्राकृतिक आपदाएँ आएंगी, बहुत सारे जो है जल प्रलय आएंगे, बहुत सारे अग्नितांडव होंगे और भूकंप भी आएंगे। और आप देखेंगे कि भारत की जो जनसंख्या है वो अचानक से कम हो जाएगी, यानी कि भारत की जो अभी जनसंख्या है उससे आधी रह जाने वाली है भारत की जनसंख्या। और उसका मुख्य कारण आप सभी जानते हैं कि कहीं ना कहीं जो प्राकृतिक आपदाएं आएंगी वो भारत की जनसंख्या को अचानक से कम कर देंगी। अब लोगों की मृत्यु कैसे होगी ये समझ लीजिए, तो भारत में भुखमरी आएगी, यानी कि भारत में अनाज उत्पन्न नहीं होगा, जिसके कारण बड़े स्तर पर आप देखेंगे कि लगातार भारत में भुखमरी होगी और बड़े बड़े समृद्ध लोग भूख के कारण मर जाएंगे, क्योंकि उस समय अन्न रहेगा ही नहीं। तो आप धन तो खा नहीं सकते, पैसे को तो खा नहीं सकते, तो इसलिए लगातार भुखमरी जो है वह एक व्याधि में बदल जाएगी और लगातार भुखमरी के कारण बहुत से लोगों की मृत्यु हो जाएगी। इतना ही नहीं, भारत में अत्यधिक गर्मी बढ़ेगी, आप देखेंगे कि तापमान इतना अधिक बढ़ जाएगा कि लोग गर्मी के कारण भी लगातार मरते चले जाएंगे। और उसी दौरान भारत में बहुत सारे भूकंप भी आएंगे, बहुत सारी प्राकृतिक आपदाएं भी आएंगी, सुनामियां भी आएंगी, जिसके कारण आप देखेंगे कि भारत में जो है एक गंभीर स्थिति बनती चली जाएगी। इसमें बहुत से मनुष्य अपने प्राणों को गंवा देंगे। तो ये मुख्य मुख्य कारण रहने वाले हैं जिसमें आप देखेंगे कि लोगों की बड़े स्तर पर मृत्यु होगी, जिसमें आप देखिए कि भुखमरी से मृत्यु होगी, प्राकृतिक आपदाओं से मृत्यु होगी, साथ ही साथ आप देखेंगे कि जो जल प्रलय आएंगे, जो अग्नितांडव होंगे, साथ ही साथ जो सुनामियाँ आएंगी, जो चक्रवात आएंगे, उसमें बहुत से महानगर डूब जाने वाले हैं। तो महानगर जब डूबेंगे तो आप सोच सकते हैं कि उसमें कितने लोगों की मृत्यु होगी। और अभी इसका उदाहरण देख भी रहा है, आप देखिए कि बंगाल में अभी एक चक्रवात आया है जिसमें पूरा बंगाल डूब गया है, जिसमें कलकत्ता नामक जो महानगर है वो डूब गया है। इसमें बहुत से लोगों की मृत्यु भी हुई है, बहुत से जनहानियाँ भी हुई हैं और बहुत सा आर्थिक नुकसान भी हुआ है। तो अभी से ये घटनाएं देखने को मिल रही हैं, अभी से कहीं ना कहीं ये चीज़ें देखने को अब मिल रही हैं, जिससे ये सिद्ध होता है कि आने वाले समय में प्रकृति जो है कहीं ना कहीं एक रौद्र रूप लेने जा रही है, जिसमें आप देखेंगे कि चारों ओर त्राहिमाम त्राहिमाम जैसी स्थिति होगी और चारों ओर एक भयानक स्थिति होगी, जिसे सुनकर देखकर मुझे लगता है रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तो हम कह सकते हैं कि 64 वर्ष बाद कहीं ना कहीं प्रकृति एक रौद्र रूप लेगी जो कि बहुत ही खतरनाक होगा। जैसा हमने आपको बताया कि 64 वर्ष पहले संभवतः प्रकृति ने ऐसा रौद्र रूप दिखाया होगा, परंतु ये जो प्रकृति का रौद्र रूप होगा वो 64 वर्षों के इतिहास में अब तक का सबसे खतरनाक रौद्र रूप होगा। और मुझे लगता है कि ये बहुत ही भयानक होगा, जिसमें सबसे अधिक आप देखिए कि जनहानि होगी, यानी कि मनुष्यों की मृत्यु होगी, जैसा कि हमने आपको बताया, क्योंकि उस समय इतने मनुष्यों की मृत्यु नहीं हुई थी। और इस बार जब प्रकृति अपना रौद्र रूप लेगी तो सबसे अधिक जनहानि होगी, जिसके कारण बड़े स्तर पर भारत की जनसंख्या आप देखेंगे कि कम होती चली जाएगी। अभी देखिए कि हम भयंकर गर्मी देख रहे हैं, किस प्रकार से लगातार कई महानगरों का तापमान बढ़ रहा है, कहीं कहीं तो तापमान 50 डिग्री तक जा चुका है, जो कि बहुत ही खतरनाक माना जा सकता है। अब तक संभवतः ऐसा नहीं हुआ था, परंतु लगातार आप देखिए कि तापमान में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। अब तो हम गर्मी का प्रकोप देख रहे हैं, अग्नितांडव देख रहे हैं, अब इसके बाद हम जल तांडव देखेंगे। यानी कि आप देखिए कि जैसे ही ये अग्नितांडव का प्रकोप समाप्त हो जाएगा तो आप देखेंगे कि लगातार बरसात प्रारंभ होगा और इतना अधिक बरसात होगा जिसकी कल्पना आपने नहीं की होगी। यानी कि हम कह सकते हैं कि इसमें 20 या 30 वर्षों का इतिहास जो है वो टूट जाने वाला है। इतना अधिक बरसात होगा कि हमारे महानगर डूब जाने वाले हैं, हमारे ग्रामीण क्षेत्र डूब जाने वाले हैं और इसमें बड़े स्तर पर फसलों को भी नुकसान होगा। तो
अग्नि तांडव के बाद अब आप जल तांडव देखेंगे, जो कि बहुत ही भयानक रूप लेकर आएगा, जो कि बहुत ही खतरनाक रूप लेकर आएगा। और ये जो जल तांडव होगा ये जून के बाद ही प्रारंभ होगा, जिसमें आप देखेंगे कि लगातार बरसात ही बरसात आपको देखने को मिलेगा। इस बारिश से आप देखिए कि पिछले 65 वर्षों का रिकॉर्ड टूट जाने वाला है, यानी कि हम कह सकते हैं कि 65 वर्ष पहले संभवतः इतना अधिक बारिश हुआ होगा, और संभवतः वो बारिश भी इतना खतरनाक नहीं रहा होगा जो कि इस बार होने वाला है। तो इस बार इसके लिए हमें तैयार रहना चाहिए कि जिस प्रकार से जल प्रलय की बात यहाँ पर की गई है, तो आप कह सकते हैं कि ये बारिश इतना अधिक होगा मानो बादल फट गया हो। बादल जब फटता है तो कहा जाता है कि उस क्षेत्र में बाढ़ आ जाता है। तो आप देखिए कि ये कितना खतरनाक समय आने वाला है, कितना भयावह समय आने वाला है कि चारों ओर जल ही जल देखने को मिलेगा आपको, चारों ओर केवल और केवल भयंकर स्थिति देखने को आपको मिलेगी। ऐसा लगेगा मानो आप नदियों के बीच में रह रहे हों, ऐसा लगेगा मानो समुद्र आपके घर तक आ गया होगा, इस स्तर तक बरसात होने वाली है। इतना ही नहीं, बरसात जब हो रहा होगा तो उस दौरान आप देखेंगे कि जो तटीय क्षेत्र हैं उसमें भयंकर रूप से चक्रवात भी आएंगे, जो कि बहुत ही खतरनाक रहने वाला है, और वायु की गति इतनी अधिक होगी जिसकी कल्पना आप नहीं कर सकते हैं। देखिए इसमें बताया जा रहा है कि 200 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से वायु चलेगी, तो आप कल्पना कर सकते हैं कि कितनी अधिक तीव्रता रहने वाली है। इसीलिए ये तबाही जो है वो बढ़ जाएगी, इसीलिए इसमें जनहानि बढ़ेगी, इसीलिए इसमें आर्थिक नुकसान भी बढ़ेगा, क्योंकि वायु की जो गति है वो बहुत ही तीव्र रहने वाली है। जैसा कि हमने आपको बंगाल का उदाहरण भी दिया कि यहाँ पर जो चक्रवात आया है इसमें आप यदि वायु की गति देखेंगे तो ये 150 किलोमीटर प्रति घंटे से चल रही है, और देखिए कितना अधिक तीव्रता है इसका, और इसके कारण बंगाल में देखिए अभी क्या स्थिति हो रखी है, वहाँ पर कैसी स्थितियाँ बन रही हैं, वहाँ पर जनमानस जो है वो कहीं ना कहीं बहुत ही व्याकुल है, लोग बहुत ही परेशान हैं, लोगों को भोजन नहीं मिल पा रहा है, लोगों को जल नहीं मिल पा रहा है, वो अपने जीवन और मृत्यु के बीच में आप कह सकते हैं संघर्ष कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इसका प्रारंभ हो चुका है, अब हमें समझने की आवश्यकता है, अब हमें जागने की आवश्यकता है। यदि अब भी हम सोए रहे तो कहीं ना कहीं मृत्यु हमारे समक्ष होगी और तब हम कुछ नहीं कर सकते हैं। इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि ये महत्वपूर्ण जानकारी सभी तक पहुंचे और सभी समझ सकें कि भारत में आने वाला समय कैसा रहने वाला है, किस प्रकार से भारत का भविष्य रहने वाला है 2030 तक। हम जुड़ते हैं अतिशीघ्र किसी नई जानकारी के साथ, किसी नई हैरान कर देने वाली कथा के साथ। तब तक यदि हमारी वीडियो अच्छी लग रही हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ सकते हैं, क्योंकि समय समय पर हम आपको ऐसी ही जानकारियां देते रहते हैं। हम जुड़ते हैं अतिशीघ्र, तब तक भजन करते रहिए, सेवा का कार्य करते रहिए। आप सभी का धन्यवाद।